हेलो बच्चों, क्लास 9th के लिए ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाला वीडियो चल रहा है। तो पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने 7 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है, तो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। गिवन क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज 1 केजी, इनिशियल वेलोसिटी इसका है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी। दूसरे इसका M1 मान लेते हैं, तो इसका मास दूसरे का मास M2 मान लीजिए। ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी, इसका मास 5 केजी है। देन दे मूव टुगेदर कैलकुलेट टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड आफ्टर इंपैक्ट, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी। चिल्ड्रन अब क्या होता है, एक बॉडी मूव कर रहा है और दूसरे वुडन ब्लॉक से टकराया और उसमें स्टिक कर गया, चिपक गया और फिर दोनों चलने लगा। तो कहता है कि कोलिजन के पहले दोनों का इम्पैक्ट मोमेंटम निकालिए, कोलिजन के बाद का दोनों का मोमेंटम निकालिए और क्या निकालता है, एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी। तो कोलिजन के पहले देखिए M1 का मोमेंटम कितना होगा, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू कितना, मास इनटू वेलोसिटी 1 × 10 यानी कितना हो गया 10 केजी मीटर पर सेकेंड। फिर से टोटल मोमेंटम इतना, और टोटल मोमेंटम अगर आप एक साथ लिखोगे तब दोनों का ही मोमेंटम को लिख दीजिए, और चूंकि ये रेस्ट में है वुडन ब्लॉक तो वो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। प्लस यहीं पर हम लोग कर देते हैं इतना प्लस कितना 5 × 0, तो टोटल मोमेंटम हो गया 10 केजी मीटर पर सेकेंड। कब कब, इंपैक्ट के पहले। अब जब इंपैक्ट दे स्टिक टुगेदर एंड देन दे मूव, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज दिस वन। अब मोमेंट वो इंपैक्ट के बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो वो करने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल मास कितना हो गया 1 + 5 = 6 केजी, एंड टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड टोटल एंड आफ्टर इंपैक्ट चिलिन। तो टोटल मोमेंटम जितना इंपैक्ट के पहले था, इंपैक्ट के बोर इंपैक्ट जितना था उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट भी होगा। अब देखिए निकालने के लिए क्या कहता है, एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी। तो मास ऑफ कंबाइंड बॉडी कितना हो गया 6 केजी। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखिएगा, 6 × v इज इक्वल टू 10। So, v is equal to 10/6 meter per second. हो गया आसान। चलिए क्या किया आपने, कहता दोनों का मोमेंटम इंपैक्ट के पहले दोनों तो अलग अलग था, एक बॉडी मूव कर रहा था वुडन ब्लॉक स्टेशनरी था, तो वुडन ब्लॉक का मास इतना वेलोसिटी इतना, तो इसका मोमेंटम हो गया 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो रेस्ट में था U2, इसको मान लीजिए ये जीरो है, U1 इतना, तो U2 जीरो है तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया। तो यहाँ हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट उतना ही रहा। अब क्या करते हैं, ये फिर मास दोनों बॉडी का हो गया 5 + 1 = 6 केजी, और वेलोसिटी मान लेते हैं वी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। तो अब इतना 6 × v मीन्स दोनों जब कंबाइन होके मूव करने लगा तब वो वेलोसिटी हम लोगों ने वी माना है।
तो 6 भी इज इक्वल टू 10, इसलिए भी इज इक्वल टू इतना निकल गया। आ गई होगी बात समझ में। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सर्टेड फोर्स। बच्चों बहुत ही आसान है, तो इनिशियल मोमेंटम फ्रॉम वेलोसिटी इतना इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम हो गया 100 इंटू 5 और फाइनल मोमेंटम 100 इंटू 8, ठीक है, इन 6 सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकल गया। और क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सर्टेड फोर्स, फोर्स निकालने का रहा है, तो क्या कीजिएगा, F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 100 इंटू 8 माइनस 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये चेंज कितने देर में होता है, 6 सेकंड में, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, उतना न्यूटन एक्सर्टेड फोर्स निकल गया। इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल ऑफ मास 10 केजी ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो डंबल का मास है एम है 10 केजी और एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट है एस है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की हाइट से वो गिरता है, यानी कि 80/100 4/5 मीटर हो गया ये। अब क्या कीजिएगा, यू तो जीरो होगा ही ऑब्वियसली। अब क्या करना है, जब वो डंबल अर्थ पर गिरता है तो अर्थ पर वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, यानी कि जब ऊपर से गिर रहा है तो इस समय अर्थ को फ्लोर को टच करके जहां भी वो गिरा फ्लोर पर, तो वो उसका वेलोसिटी उस समय कितना था उससे निकलेगा। तो हम लोग उस वो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यू यू एस और ए दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से निकाल लेते हैं। वी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए 10 इंटू एस हो गया कितना 5/4/5 तो ये हमारा हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो वी इज इक्वल टू हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना मीन्स क्या, अर्थ को टच करते समय उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, नॉट 16, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वी स्क्वायर 16 है, वी 4 होगा। तो उस समय मोमेंटम वाइल टचिंग द ग्राउंड विल बी मास, उसका मास कितना था 10 केजी, 10 इंटू 4 यानी कि 40 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम अर्थ पर वो ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन फ्रॉम लास्ट वीडियो, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ मिल, अगेन मास ऑफ हैमर कितना है 500 ग्राम यानी कि 1/2 केजी है, मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, नेल हैमर स्टॉप्स इन 0.01 सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द नेल। तो V का वैल्यू जीरो हो जाता है कितना देर में, T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द नेल, नेल हैमर नेल पर कितना फोर्स लगाएगा, यह नेल हैमर पर कितना फोर्स लगाएगा ये हमें निकालना है। तो
तो चिल्ड्रन क्या कीजिएगा, जस्ट फॉर्मूला हम फोर्स वाला लगा देते हैं, एम इंटू वी माइनस यू बाय टी। एम है आपका 1/2, वी तो 0 है ही, तो यू हो गया 50 इंटू 50 बाय टी। टाइम कितना लगा, 0.01। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बच गया आपको 25/1 बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 0.01 के बदले 1/100 होगा, जो कि 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो इतना न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया टोन हैमर नेल पर या नेल हैमर पर। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं, इतना सॉल्व कीजिए, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट प्रीवियस वीडियो। फॉर मास 2 kg विटीग्राफ इज गिवन, मास है 2 kg, विटीग्राफ इज गिवन, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन रीजन OA, OB एंड BC। चलिए ये देखो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहां से यहां तक बीटी ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ए से बी तक रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बी से सी तक बता रहा है रिटार्डेशन। तो कहता है ओए रीजन में यहां से यहां तक कितना फोर्स लग रहा है, ए बी रीजन में कितना फोर्स लग रहा है, बी सी रीजन में कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हम ओए रीजन में फोर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं ग्राफ से। तो फॉर OA रीजन A निकाल लीजिएगा, A इज इक्वल टू मीन्स का इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर है 20 बाय बेस है 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फोर्स ऑन OA रीजन कितना हो गया, मास 2 इंटू 2 4 न्यूटन हो गया। चले किसमें, OA रीजन में 4 न्यूटन हो गया। अब देखिए फॉर OAB रीजन, AB रीजन निकालना है आपको फोर्स, तो वहां तो कोई एक्सीलरेशन लग नहीं, सॉरी एक्सीलरेशन है नहीं, A से B तक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फोर्स का वैल्यू मास तो है ही ना 2 kg, बट नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 0 है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, अब देखिए फॉर बीसी, इस रीजन के लिए फॉर बीसी एक्सीलरेशन वहां रिटार्डेशन है, तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं आप, ए इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर है फिर 20 बाय बेस हो गया आपका 10, फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालना है, तो ये हो गया आपका 4 न्यूटन, यानी कि बीसी रीजन में भी 4 न्यूटन फोर्स लगता है। जो अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड अंडरस्टैंड, यहां देख रहे पता है फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेट हो गया, फिर फोर्स नहीं लग रहा है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर रिटार्डेशन हुआ तब भी फोर्स लग रहा है। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट और भी ये क्लियर करता है। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 kg। मास है 200 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स कांस्टेंट, सॉरी फोर्स भी लग रहा है, फोर्स हो गया 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यू है 15 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कितना फोर्स लगेगा कि वो रुक जाए, वी का वैल्यू
जीरो हो जाए। तो कितना देर लगेगा यानी कि टाइम निकालना है आपको, तो आपका हो गया एफ का वैल्यू 50, एम हो गया 200 और बी माइनस यू, तो वी तो जीरो है, यू है 15 डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम के लिए आपका टाइम निकाल लीजिएगा, टी इज इक्वल टू 200 इंटू माइनस 15 बाय 50, 4 यानी कि माइनस 60, सॉरी माइनस में भी माइनस यू बच्ची। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ टाइम माइनस में नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया 60 सेकेंड, लेकिन माइनस में अब कॉन्स्टेंट फोर्स 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 केजी मूविंग विद वेलोसिटी इतना, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। हाँ चिल्ड्रन, तो वी का एफ का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये माइनस में रहेगा, तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा, यानी कि 60 सेकेंड लगेगा ऑब्जेक्ट को रुकने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, टू मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व फॉर दिस चैप्टर। देखिए, अ बॉय ऑफ मास 60 केजी रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड जंप्स ऑन टू अ ट्रॉली ऑफ मास 140 केजी मूविंग विथ वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। अ बॉय ऑफ मास 60 केजी इज मूविंग एट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड जंप्स ऑन टू अ ट्रॉली ऑफ मास 140 केजी मूविंग विथ वेलोसिटी 1.5 मीटर। ट्रॉली का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, 140 केजी ये मूव कर रहा है, इसका यू इसका मान लेते हैं वी या यू वन, इसका मान लीजिए यू टू, इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या कहता है कि द बॉय जंप्स ऑन टू द ट्रॉली, ट्रॉली पर जंप कर गया, अब ट्रॉली मूव करता रहेगा, तो कहता है कि व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी, तो वो जंप करने के पहले का टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं, 60 इंटू 3 प्लस 140 इंटू 1.5 इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ बॉय 140 इंटू 60, और दोनों का कॉमन वेलोसिटी भी मान लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 180 प्लस 40 एंड 70 210 बाय 60 इंटू 40, 60 इंटू 140 कीजिएगा, तो v का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद 15 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। A cracker of mass 100 gram explodes into two pieces. अब 100 ग्राम है तो वो दो पीस में डिवाइड हो गया, तो दोनों का मास 50 ग्राम हो गया। अब देखिए क्या होता है कि so that these crackers fly with the same velocity in opposite direction. तो जब वो cracker rest में था तो उसका velocity zero था, तो उसका momentum भी zero होगा। तो अब मान लेते हैं, तो टोटल मोमेंटम ऑफ क्रैकर बिफोर एक्सप्लोडिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोडिंग, तो इसमें मास 50 इंटू वी वन प्लस 50 इंटू वी टू इज इक्वल टू 100 इंटू जीरो, यानी कि ये जीरो हो गया। तो क्या कीजिएगा, फ्लाइंग विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट सो दैट देयर वेलोसिटी इज इक्वल, तो ये टर्म तो इसका जीरो हो गया, यानी कि 50 इंटू वी वन इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू वी टू, इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए, वी वन इज इक्वल टू माइनस वी टू हो गया, यानी कि दोनों सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, माइनस साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। सो चिल्ड्रन,
ये हमारा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जितना था खत्म हो गया, और आपके अंडरस्टैंडिंग पर, आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर सकेगा कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। मैं जितना हार्ड वर्क आप लोगों के लिए कर रही हूँ उतना अगर कीजिए तो दैट विल बी सो मच ऑफ फ्रूटफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, समझते रहिए, और मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी देते रहिए। चले, मेरा म्यूजिक वाला, गीत वाला चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो, देखो, थोड़ा देर तो देखना चाहिए कभी। मिस का गाना, टीचर का गाना, गीत, गांव वाला, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू गांव। थैंक यू।